ये दो गुम नीचे रखने हैं सब। सर्वर पूछो ना कौन सा काले, सर्वर नहीं कल वाला एक तो ये बाहर से मंगाई हुई अलग चीज है हमारे पास नहीं रहती। एक मिनट में राजू से बात नहीं, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं हूं राखी सावंत और प्रत्युषा की मैं बहुत ही अच्छी दोस्त हूं। मैंने उनके साथ कभी टीवी पे काम नहीं किया ऑन कैमरा, लेकिन बिहाइंड द कैमरा मैं बहुत अच्छी दोस्त हूं। प्रत्युषा के बारे में सब कुछ जानती हूं। जब वो बालिका वधू में आनंदी बन के आई तब से मैं उन्हें जानती हूं और मेरी माँ की बहुत ही फेवरेट है और तब से मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है, बहुत अच्छी दोस्त है। पार्टियों में लास्ट मेरे सोनी भैया जो है चरिश्मा स्पा के, हम लोग ने स्पॉन्सर मिलके किया राहुल को और प्रत्युषा को होली का होली के लिए। और हम लोग मैं मतलब उसकी निजी जिंदगी के बारे में मैं पूरा जानती हूँ। राहुल से पहले किससे मुलाकात थी, क्या थी, कौन था। और जब बिग बॉस में गई तभी उन्होंने प्रत्युषा ने मुझे पूछा था, मैंने पहले कहा था कि अभी मत जाना बिकॉज तुम्हारा करियर बहुत अच्छा चल रहा है, बट राहुल ने उसे फोर्स किया था कि यू गो, आई एम विथ यू, डोंट लिसन टू एनीबडी एल्स। बट फिर भी वो गई तो मैंने कहा फिर भी अगर तुम जाना चाहते हो, वैसे संजय निरुपम से लेकर सभी लोग बड़े बड़े जो भी बिग बॉस में जाते हैं मुझे हमेशा पूछते हैं, कोई भी हो, राम भैया जो है टीवी के, सब लोग मुझे हमेशा पूछते हैं कोई भी रियलिटी शो करना हो। तो मैंने उसे कहा था तुम मत जा, अगर फिर भी गई तो मैंने कहा कि राहुल तुम्हें फोर्स कर रहा है फिर भी तुम जा रही हो, तो जैसे तुम हो वैसे ही रहना। वैसे मेरा हमेशा मेरे शेड्यूल के हिसाब से और उनके शेड्यूल के हिसाब से हम लोग हमेशा बातचीत करते थे। ये भी बताना चाहती हूँ, व्हेन शी वाज इन लव विथ राहुल तब भी मुझे पता था, मुझे ही नॉलीवुड के और फिल्म इंडस्ट्री के, टेलीविजन इंडस्ट्री के सभी उसके बहुत, मेरी बहुत अच्छी प्यारी था, मेरी फ्रेंड थी, वो शादी करना चाहती थी, लहंगा सिलवाया था, मुझे कहा था मुझे मंगलसूत्र, बंगाली में पहनते नहीं है मंगलसूत्र, मंगल कंगन ऑर्डर करने, तो मैंने कहा था शिल्पी ज्वेलर्स है लोखंड वाला में, जहां से मैं बनवाती हूँ तू भी वहां से बनवा ले, तो उसने कहा ठीक है। बहुत ऐसी बातें हैं जो मुझे चू रही है, मैं पिछले 3-4 रातों से सो ही नहीं हूं, मेरे सपनों में बार बार आ रही है, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे सपनों में बार बार आ रही है, मैं सो नहीं पा रही, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत ज्यादा। और हम सभी बॉलीवुड के कलाकार, टेलीविजन के कलाकार सभी प्रत्युषा को न्याय दिलाने के लिए बाहर निकले। मैं सिंटा में भी वन ऑफ द बेस्ट चेयर पे थी जब बालिका वधू सिद्धार्थ या फिर प्रत्युषा को कभी कभी लेट पहुंचते थे तो बालिका वधू से भी, प्रोडक्शन से भी हमें कंप्लेंट आती थी, तो मैं बार बार फोन करके बोलती थी बेटा जल्दी जाओ शूटिंग पे जाओ वरना वो तुम्हारे पेमेंट रोकेंगे, और मैं नहीं चाहती तुम्हारे चेक रोके पेमेंट रोके। तो मैं सिद्धार्थ को भी भेजती थी, मैं जितने भी कलाकार है मैं टाइम पे सबको भेजती थी, ये मेरा काम था क्योंकि मुझे फिल्म इंडस्ट्री मुझे चुन के लाई थी, वहां पे उस कुर्सी पे बिठाया था। मैं हूँ, शैला चड्ढा है, डॉली बिंद्रा है, गजेंद्र जी हैं, पंकज जी हैं, धर्मेश तिवारी जी हैं, हम लोग जितने भी 12 कमेटी मेंबर थे हम सभी हेल्प करते आर्टिस्टों को, मेरा बहुत अच्छा रिलेशन था। उसने कहा था कि रोहित वर्मा से लहंगा बनाया, जेवर बनाने वाली थी, उसने कहा था कि सरप्राइज दूंगी मैं शादी का, मैं शादी करने वाली हूं। इससे पहले राहुल और प्रत्युषा का बहुत झगड़े होते थे, मैंने भी एक दो बार छुड़ाया है, राहुल ने प्रत्युषा पे हारा था मेरे सामने, मैंने राहुल का गिरेबान पकड़ा था एक दो बार, मैंने कहा डोंट डू दिस मेरे सामने, तो बिल्कुल नहीं करना, एक तुम मेरी फ्रेंड पे हाथ उठा रहे, मत करना राहुल ऐसा। तो प्रत्युषा ने मुझे शांत करवाया, फगर इट, जाने दे, ये कभी सुधरेगा नहीं, और हम आई वॉन्ट टू गिव हिम अ चांस। मैंने कहा मत, वो शादी से पहले ही ऐसे हरकतें कर रहा, शादी के बाद क्या होगा। वो अपने फैमिली से बहुत प्यार करती थी, सब झूठ कहते हैं कि उसकी फैमिली को छोड़ देते, ये सब झूठे। उनके प्रत्युषा के गले की हड्डी थी, उनकी मॉम डैड उनके लिए सब कुछ करती थी, सोने के गिलास जब गए तो वो जो पैसों के लिए भी राहुल ने झगड़े किए थे, सारे प्रॉब्लम्स थे बहुत सारे, राहुल उसके कार्ड्स वही यूज करता था, उसके बहुत टॉर्चर करता था राहुल को, मैंने बहुत बार वॉर्न किया था कि डोंट डू दिस। ऐसे बहुत सारी अभिनेत्रियां हैं टेलीविजन जिनका मैं नाम नहीं लूंगी, उनके साथ टॉर्चर होता है,
उनके फ्रेंड्स भी उनके साथ टॉर्चर करते, कुछ लड़कियां बाहर नहीं आती है, पुलिस स्टेशन नहीं जाती है डर के, फैमिली के कारण डर के मारे बाहर नहीं जाती, पुलिस स्टेशन नहीं जाती है, क्योंकि कुछ लोग हैं उन्हें वो ड्रामा का करार देते हैं, पब्लिक स्टंट का करार देते हैं, उसमें से हर कोई राकेश नहीं होती है। मेरे साथ भी अत्याचार हुआ था, मैं भी पुलिस गई थी, लेकिन मुझे बदनाम किया गया था, कहा कि हम लड़कियां अगर पुलिस से ले आएंगे तो इंसाफ के लिए कहां जाएंगी, आत्महत्या कर लेगी, क्या हम आत्महत्या कर ले, हमें ड्रामा का करार जाता, मुझे बदनाम किया गया, ऐसे कितनी सारी लड़कियां बदनाम किया गया। और मीडिया हमें सवाल करती है, कहते कि क्यों पुलिस स्टेशन नहीं जाती, पुलिस स्टेशन जाएंगे वहां पे मीडिया के साथ हम ड्रामा करते, मतलब हमें जीने का अधिकार है, उसमें से देखो पृथ्वी के साथ क्या हुआ, कहीं नहीं गई, उसका अत्याचार हमेशा होता रहा, हमेशा अत्याचार होता रहा, हमारी दोस्त हमारी नजरों के सामने जो शर्ने वाली थी, जो हमें सरप्राइज देने वाली थी, हमने नहीं सोचा था कि ऐसा सरप्राइज मिलेगा हमें। जब हमें मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल, मैंने देखा कोई इनके अंदर छोड़ते नहीं थे, लेकिन मैं पुलिस को रिक्वेस्ट के अंदर के मेरी आंखों से दिखा देती थी, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि पृथ्वी आत्महत्या कर सकती है। ऐसा क्या एक दो घंटे में हो गया, जो लड़की शादी कर रही, लहंगा बना रही, जेवर बना रही, खुश है अपने दोस्तों में, ऐसा क्या हो गया एक दो घंटे में, ऐसा हो गया कि उसे कोई भी भेजा गया और वो सलोनी ने भेजा, सलोनी ने हाथापाई की, मारपीट करी। जब मैं अंदर गई तो कहा था मीडिया को कि उसके यहाँ पे है, नाक पे दाग है, यहाँ पे दाग है, लेकिन नहीं हो रहा, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ भी वो कह रहे थे कोई दाग नहीं, इतने क्यों, तो दाग कहां से आए, हम नहीं लगाए। बहुत सारी ऐसे एक्ट्रेस है, लैला खान, जिया का तो अभी भी किस चल रहा है, पहले कहते थे आत्महत्या आत्महत्या, बाद में मर्डर, इतने सारे ऐसे केसेस है, क्यों राहुल को अभी तक पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रहा है, उसे उसका मोबाइल लेके क्यों नहीं हो रहा है, पृथ्वी शाह के मोबाइल की चेकिंग क्यों नहीं हो रही है, और वो वीडियो जो राहुल वो मोबाइल चोरी मतलब चोर के निकल गया हॉस्पिटल में एडमिट इमरजेंसी वार्ड में, उसे छोड़कर लाश को छोड़ के वो लेके भाग गया, अरे सबूत मिटा दिए गए, उसने अपने हाथों मिटाए, पुलिस ने ये क्यों नहीं देखा, उसे एक ऐसा सलोनी ने एक जो भेजा जो राहुल और सलोनी का वीडियो था, और ये सलोनी के मोबाइल में आज भी मौजूद, कहां है सलोनी, मेरी फ्रेंड का, हमारी बॉलीवुड हिंदुस्तान बेटी का, क्यों पुलिस सलोनी को नहीं पकड़ रही है, क्यों राहुल को छोड़ दिया गया, बिल्डिंग्स में सीसीटीवी फुटेज होते हैं, अगर राहुल लेके गया इस तरह से जो क्यों सामने क्यों आ रहा है, मतलब लोगों के सामने आना चाहिए ना, कि कह रहा है कि ठीक है वो देखा उसे लटके हुए फैन में, और आप ठीक है लाश को उठा के भागा हॉस्पिटल की तरफ, ये नहीं कि नहीं दिखाए, सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं या पड़ोसी को इन्फॉर्म करते हैं, मेरी नजरों के सामने वहाँ राहुल मोबाइल लेकर चला गया, पृथ्वी शाह के शरीर को इमरजेंसी वार्ड में डाला और वो निकल गया मोबाइल लेकर, वो सच्चा आशिक था, सच्चा प्यार करता था, तो मोबाइल लेके चला गया, वहाँ पे खड़ा क्यों नहीं हुआ डटे के, हाँ मैं प्यार करता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड ने ऐसा, और कोकिला बहन के पीछे मेरे जाके चिप्स खा रहा है, और अभी मीडिया के सामने रो रहा है चीख चीख के। हम लोगों ने सम्मेलन सबके सामने कहा था, आप लोग मौजूद थे वहां पे, कि ये चिप्स खा रहा है, मोबाइल लेकर गया, सब मिटा दिए गए, वो वीडियो पृथ्वी शाह के मोबाइल में था, वो वीडियो क्या था, आप लोग मीडिया सब सच को बाहर लाती है, लड़कियों को सबको इंसाफ देती है, एक मैं उनका नाम नहीं लूंगी, अभी मुझे वार्निंग दी गई है, वो वीडियो हमारे हाथ लगा है, लेकिन वो जो सबूत है वो हमें पुलिस और क्राइम ब्रांच को
को देने हैं उससे साबित हो जाएगा। और मैं वो बंदी को सारे सबूत लेकर क्राइम ब्रांच में जाना चाहती हूं अभी, क्योंकि मुझे वार्निंग दी गई है कि अभी अगर मैंने मीडिया को दिया तो सारे सबूत मिट जाएंगे। तो मैं भी ऐसा कोई क्राइम नहीं करना चाहती, बस हमारी सबकी यही इच्छा है कि राहुल को कस्टडी में लिया जाए, उसे से कड़ी सजा हो। अकेली कमाने वाली लड़की थी वो, उनकी पूरी फैमिली जो है वो उसी पर चलती थी, तो सरकार उनकी फैमिली को मुआवजा दे, कम से कम 5 करोड़ सरकार उनकी फैमिली को मुआवजा दे। अभी तक कोई साबित नहीं हुआ कि आत्महत्या थी कि मर्डर है, बट हम कहते हैं कि वो मर ही है। उसकी इन्वेस्टिगेट के एंगल को सोसाइटी लेके चल रहा है, मतलब वो देखना चाहिए कि ठीक है मर्डर का भी एंगल हो सकता है। अगर नहीं कर पा रही सॉल्व में एसआईटी का गठन हो। एग्जैक्टली एसआईटी का गठन होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, हाथ में लगा पा रही है तो एसआईटी की जांच करें ताकि जल्दी से जल्दी दूध का दूध पानी का पानी और मर्डर के एंगल होना चाहिए। मीडिया हमेशा सपोर्ट करती है, हमें सपोर्ट करती है। अब हिंदुस्तान की बेटी को सपोर्ट कीजिए प्लीज, आप लोग की सख्त जरूरत है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, ये इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। हिंदुस्तान की हर बेटी की, हर माँ की, हर बेटे की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल, ये मैं फैन लेकर आई हूँ। जब स्टार्टिंग में आपको मैं आज बता दूं कि मैं अथर रोड जेल के बाहर गई इतने सारे कंप्यूटर देने, आप सब लोगों ने देखा सालों पहले मैं गई थी क्या नहीं गई थी बताइए प्लीज। मैं गई थी ताकि वहां पे जितने भी कैदी हैं उनका भविष्य सुधरे। मैंने हर कदम उठाया है तो मुझे ड्रामे का नाम दिया गया। मैं इनोसेंट लड़की हूँ, आपके देश की बेटी हूँ, मैं भी लोगों का भला करना चाहती हूँ। ये जो बड़े बड़े नेता बैठे सिर्फ वो ही देश का भला नहीं कर सकते, हाँ मेरे हाथ में पावर नहीं है, बगैर पावर के भी मैं देश का भला करना चाहती हूँ, समाज सेवा करना चाहती हूँ। तो मैं न्यूज चैनलों में आके मैंने अपनी आवाज खोली, तब जाके लोग आके डिबेट करते हैं, बातें करते हैं। इसीलिए आज ये फैन मैं इसलिए लेकर आई हूँ कि मैं चाहती हूँ कि भारत माता की जय बोलना ज्यादा जरूरी नहीं है, जो घर घर से ऐसे फैन हटाना, सीली फैन हटाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी सीली फैन से लटक के बहु बेटी हर कोई आत्महत्या करता है। मैं चाहती हूँ ये सीलिंग फैन हटे और मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि घर घर में से सीलिंग फैन हटा दिया जाए। जो भी अपनी बहन से प्यार करता है, माँ अपनी बेटी प्यार करती है, तो ये सीलिंग फैन हटाए घर से, टेबल फैन रखो, एसी रखो। लेकिन गरीब आदमी के पास इतना पैसा नहीं है तो वो क्या करे? गरीब आदमी टेबल फैन नहीं रख सकता, हम लोग मिलकर 5,000 फैन गरीबों में जा रहे हैं और दे रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं उसके ऊपर भी ध्यान रखना, जान है तो जहान है। जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। फैन अगर आपको हवा चाहिए तो हवा टेबल फैन से भी आ सकती है। अब आप पिता अपनी बेटी से प्यार करता है तो फैन को हटाए, माँ अपनी बेटी से प्यार करती है तो सीलिंग फैन को हटाए, क्योंकि हर बेटी हर आदमी जो भी है। अभी अभी आप देखिए तो हमारी प्रतिष्ठा सेलिब्रिटी थी इसलिए न्यूज में आया। अभी भी एक महिला ने परसों रात को फैन से लटक के जान दी। नहीं नहीं मैं सीलिंग फैन की बात कर रही हूँ, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 360 डिग्री जो डेज है उसमें से एक साल में कम से कम 1,000 लड़की आत्महत्या करती है। सीलिंग फैन हटाया जाए, ये मेरी मांग है, सीलिंग फैन हटाया जाए, टेबल फैन रखो, एसी रखो। जो सफर ज्यादा रेलवे के अंदर रोज का है ना, 150 लोग मरते हैं तो रेल बंद किया जाएगा। मैं 150 लोग सरकार कदम
नहीं, मैं आप सच्चाई की बात करते हैं तो रेलवे के रोज 150 लोग मरते हैं तो ये बंद किए जाए रेलवे मुद्दे पे बात कर रहा हूं। बेसिकली देखिए, बेसिकली वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा भी मेन ये है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुद्दा ये है सवाल तो पूछने दो। मुद्दा ये है, प्रतीक्षा बहुत अच्छी दोस्त है, प्रतीक्षा बहन टीम की बहुत अच्छी दोस्त थी और उसके लिए रेली ये चिंतित है, हमें जस्टिस चाहिए। और एक जस्टिस के लिए जिस तरह से मिसलीड किया जा रहा है, वीडियो बाहर लाया जाए, सुसाइड का इसको लीड किया जा रहा है, मतलब पुलिस को दोनों एंगल लेके ज्यादा से ज्यादा लड़कियां मर्डर जो है आप देखिए कितने केसेस से लटक के जान देती है। राखी, हम आपसे मुद्दा उठाया, आपने कहा कि एक वीडियो भेजा गया सविनय शर्मा द्वारा, तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपके पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ है, आप किस आधार पर कर रहे हैं कि कोई वीडियो भेजा गया, क्या आपने ऐसा कोई वीडियो देखा, आपके पास है या कोई सबूत जो आपके पास उपलब्ध हो देना चाहे। मैं हम लोग को पहले ये वार्न किया गया है कि पहले हम लोग को क्राइम ब्रांच में जाके देना है वो वीडियो। जिस वीडियो का आप दावा कर रही हैं, एक बहुत बड़ा एविडेंस इस पूरे मामले में, बहुत बड़ा एविडेंस है, तो क्या इसके इसको पहले से दी है? और दूसरा, क्या आप ये दावा कर रही हैं कि जब सलून ने ये वीडियो प्रतीक्षा को भेजा उसे देखकर उसने खुदकुशी की, ये दावा है आपका? मैं ये दावा कैसे कर सकती? नहीं तो आप बता दी ना कि एक वीडियो भेजा गया वो देखने के बाद, वो शायद इंपैक्ट कर डिप्रेशन में थी और ज्यादा वो इनफैक्ट उसको ये भी पता चला कि राहुल शादीशुदा था, मतलब ये भी कुछ दिनों पहले ही पता चला जहां तक हमें पता है। तो जो बंदा शादीशुदा है जिसके कई सारे अफेयर्स हैं, अचानक पता चले कि नहीं ये शादीशुदा भी है, उसकी बीवी है, तो ऑब्वियसली राहुल को 2-3 बार मैंने वार्न किया था। राखी, राखी हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं आज के दिन ही, राखी हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं आज के दिन ही 5 अप्रैल 1993 खुद दिव्या भारती ने आत्महत्या की बिल्डिंग से, बिल्डिंग से खुद के जी, तो क्या मुंबई में बिल्डिंग बनाना बंद कर दिया जाए? नहीं देखिए, देखिए प्लीज थोड़ा सीरियस हो जाइए, प्लीज इज अ रिक्वेस्ट, आप मजाक मत उड़ाइए। दिव्या जी भी बहुत ही बेहतरीन अदाकारा थी, दिव्या का जो ये नहीं मतलब ये राखी सावंत ने फैंस का बात करी आप तो आप लोग मजाक उड़ा रहे हो, यही कोई मिनिस्टर या स्मृति ईरानी जी ये काम करती तो आप लोग तालियां बजाते हैं ना, क्यों क्यों एजुकेशन मिनिस्टर है वो, इसीलिए मतलब हमें कोई अधिकार नहीं है बोलने का। नहीं, बेसिकली हम वापस मुद्दे पे आए, आपकी पास जो वीडियो है मीडिया को देना चाहेंगे? नहीं, पहले हम लोग सारे प्रूफ जो है वो पुलिस में और क्राइम ब्रांच में देंगे। आप एक बता दीजिए, एक सवाल कल शाम को जब आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होना है तो उसमें ये कहा गया था कि कुछ एविडेंस देने वाले कुछ लोग आने वाले थे, लेकिन एंड टाइम पे बैकअप किया है, एंड टाइम पे बैकअप किया है जो क्राइम ब्रांच के भी लोग आने वाले थे, जैसे कि राखी जी ने कहा कि कुछ प्रेशर है कि जो चीजें हम डायरेक्टली ये मीडिया के सामने देना चाहते थे वो अब हमें पुलिस इन्वेस्टिगेटिव डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा, वो ये नहीं बता सकती, वो ये नहीं बता सकती अभी, और डेफिनेटली मीडिया के सामने वो चीज आएगा, आप लोगों के लिए चिंता मत करिए। अगर वो प्रेशर कल शाम को देखो, क्राइम ब्रांच से भी लोग आने वाले थे और बहुत सारे वो लड़की थी आप जिनके पास वीडियो है वो भी आने वाली थी, एंड टाइम पे बैकअप किया है, लेकिन देखिए आपकी सौ बात की एक बात कि ये सीलिंग फैन जो मैंने बोला है वो घर घर में बंद कर दिया जाए, टेबल फैन रखा जाए, 5000 जो फैन है वो मैं हम लोग खुद मिलके गरीबों में बांट रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब बोले पटरी बंद करवा दो, ब्रीडिंग बंद करवा दो, अरे एक नेक काम तो कर रहे हैं, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे सब लोग भाषण दे रहे थे देश के लिए, क्या काम कर रहे हैं बताइए, दूसरे लोग से भाषण दे रहे हैं। मेनली जो मुद्दा है, राखी जी और मैं दिनेश तिवारी, राखी जी और मैं दिनेश तिवारी प्रोड्यूसर डायरेक्टर, हमारी वो दोस्त थी,
प्रत्युषा हमारी बहुत अच्छी, इनकी तो बहन जैसी, इनकी बहुत ही खास दोस्त, जो कि आज तीसरा चौथा दिन है और अभी तक राहुल अरेस्ट नहीं हुआ है। हमारी मांग है कि राहुल अरेस्ट क्यों नहीं हुआ है? मीडिया के सामने अभी तक सुसाइड को इसका लीड किया जा रहा है, पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है, सिर्फ सुसाइड का एंगल ले रही है। क्यों पुलिस एंगल ले रही है मर्डर का? मर्डर का एंगल क्यों नहीं ले रही? जब वो पंखे से लटकी पाई गई तो ऑब्वियसली बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज होंगे और लोग होंगे, किसी ने क्यों नहीं देखा है उसको ले जाते हुए बिल्डिंग से? उसके जो सीसीटीवी फुटेज है कहाँ है वो? और उसे छोड़ दिया गया, पुलिस ने उसे छोड़ दिया गया, सब कह रहे कि वो हाथ उठाता था। नहीं, सीसीटीवी फुटेज है पुलिस के पास, लेकिन वो लाश लेके क्यों भागा? जब वो ऑलरेडी मर चुकी थी। आप बताइए, अगर कोई लड़की को आप पंखे से लटका हुआ पाएंगे इमीडिएटली पुलिस को बुलाना चाहिए था। उसने कितने सबूत मिटा दिए? या पड़ोसी को बुलाएंगे? सबूत कितने कितने मिटा दिए? और उसके बाद वो मोबाइल लेके गायब हुआ, उसके बाद उसके मोबाइल को पूरा क्लीन किया गया है, मोबाइल लेके गायब हुआ है। क्या पता उन्होंने नोट भी लिखा होगा तो फाड़ दिया होगा। जो पुलिस के पास जो अभी तक एक चाबी वाला था, दूसरा उसके बगल में चाबी वाले से इन्वेस्टिगेशन हुआ चल रहा है, उसका दो बार स्टेट तो चाबी वाला भी देखा होगा उसको लटके हुए। यस, उसने भी देखा, उसके बगल में राहुल ने एक बात कही थी कि मैं पीछे के दरवाजे से गया था ना, मतलब पीछे का दरवाजा था, सब लोग यहाँ से बाहर ताला मार के लाश को लेके भागो, हॉस्पिटल लेके जाओ। मतलब ये जो दो चार लोग आप बोल रहे हो, देखिए मैं सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि इनकी फैमिली को 5 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। बहुत ही गरीब फैमिली है उनकी। 5,000 फैन, और वो भी गरीबों के घर में। जब मैं सरकार की तरह नहीं, तो बार बंद कर दिया और लड़कियाँ सारी आत्महत्या कर रही है, वैसा नहीं हूँ। जब हम सीलिंग फैन उतारवार भी रहे तो हम टेबल फैन दे भी रहे। अब पूरे हिंदुस्तान में तो बांट नहीं सकती मैं, कुछ 5,000 घर है उनमें से हम लोग मिलकर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सीलिंग फैन निकाल के। अगर सीन हट गया तो आत्महत्या रुक जाएगी कहीं से, तो हम लोग तो वहीं से तो शुरुआत करनी चाहिए, शुरुआत कहीं से तो करनी होगी। सीलिंग फैन बंद हो गया तो आत्महत्या बंद हो जाएगी। लड़की का सबसे आसानी सीलिंग फैन बंद हुआ, हम किसी फैन के खिलाफ नहीं है। फैन और आप चलो, आप मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ चलिए, घर घर में चलिए। देखिए आप लोग से एक सेकंड प्लीज साइलेंस। देखिए राखी जी का एक जो भावना है कि लड़कियां या औरतें ज्यादातर फैन से सुसाइड करती हैं, वो सिर्फ इनकी एज अ महिला, एज अ बीइंग अ गर्ल, एज अ बीइंग अ औरत, इनकी ये भावना है कि औरतें कमजोर हैं या लड़कियां कमजोर हैं। कहीं से तो पहल करनी पड़ेगी ना। अगर वो सुसाइड नहीं भी करती हैं, हो सकता है कि उनका गला दबा के मारा गया हो और उनको बाद में फैन पे लटका दिया जाता हो, लटका दिया गया हो, तो फैन एक इजी मुद्दा बनता है लोगों के लिए। फैन क्या इजी मुद्दा नहीं है ये, आप देखिए ना। वो सिर्फ इनकी एक भावना। वीडियो शी सेड कि लाइक डेफिनेटली इट विल बी डायरेक्टली रीचिंग टू द इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट टू द पुलिस। वीडियो शी सेड इज सलोनी एंड राहुल्स वीडियो। सलोनी हैज सेंट टू प्रतिशा, उसके मोबाइल में है। हाँ, तो ये मोबाइल में से ये वीडियो डिलीट किसने किया? व्हाट शी गॉट टू नो, ये मोबाइल पुलिस के पास है तो पुलिस के पास वो वीडियो होना जरूरी है, तो किसने डिलीट किया? हाँ जी है, इनके पास है, लेकिन ये मैं मीडिया को नहीं दे सकती, नहीं दे सकती, ये क्राइम ब्रांच को देना है। ऐसा क्या है? ठीक है, आप नहीं दे सकती, लेकिन एलैबोरेट ऐसा क्या है जो कि इतना कॉन्क्रीट है जिसको लेकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं? व्हाट मेक्स यू थिंक कि डिलीट हुआ?
See, already Rahul went took the phone. Rahul phone लेके क्यों चला गया? और उसने सारे मैसेजेस का और प्रत्युषा के मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग हुआ करता था. मतलब कॉल रिकॉर्डिंग हुआ करता था प्रत्युषा के मोबाइल में. आज किसी की गर्लफ्रेंड है, अगर किसी की गर्लफ्रेंड है, किसी की प्रेमिका है जिससे वो शादी करने वाला था, हॉस्पिटल पे पहुंचा हुआ है, तो सबसे पहले वो चिंतित होगा. उसको अगर वो कहीं से भी उसके बचने की चांसेस है तो चिंतित होगा कि वो ठीक हो. ये नहीं कि उसकी मोबाइल लेके भाग जाए और चीजों को लेके भाग जाए. मतलब दैट्स अ पुलिस. लैला खान के बारे में मुझे नहीं पता था. जिया खान मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, वो भी अच्छी थी, लेकिन मुझे आज बहुत दुख हो रहा अंदर के मैं उसकी भी केस नहीं, उसके लिए मैं बाहर नहीं आ पाई. मैं सोची जाने दो मैं नहीं आ पाऊंगी, मीडिया मुझे कुछ और ही कहती, इसलिए मैं शांत अपने घर में बैठी थी. लेकिन प्रत्युषा के लिए मैं बाहर आई हूँ, आवाज उठाने, जस्टिस मांगने मैं आई हूँ बाहर. मैं नहीं आने वाली थी. देखिए ऑब्वियसली किसी को तो पहल करना पड़ेगा. हमारे ही दोस्त हैं विकास गुप्ता जो कि प्रत्युषा के खास दोस्त हैं, वो भी पहल कर रहे हैं, वो भी मीडिया के सामने आए. कामिया पंजाबी भी कर रही है, कितना वो हमारी दोस्त है. तो देखिए हम लोग अपने तरफ से हमारी भूमिका, हमारी जो सारे आर्टिस्ट मिलकर पूरी कोशिश कर रहे हैं. फिल्म इंडस्ट्री के एक फेटर्निटी, फिल्म इंडस्ट्री के एक हम कलीग होने की वजह, और इवन दोस्त एक अच्छी, इनकी जैसे मैंने कहा कि बहन जैसी थी, खास सहेली थी, तो ऑब्वियसली इनको पहल करना होगा. और आप मीडिया से हम लोगों की हाथ जोड़कर यही गुजारिश है कि आप लोग पुलिस को इतना प्रेशर करें कि इसको केस को सिर्फ सुसाइड के एंगल से लीड नहीं करें, इसमें दूसरे भी एंगल देखें, मर्डर के एंगल देखें, व्हाटएवर एंगल देखें, और सारी चीजों के तथ्य तक. आप लोग सुलझाते हो क्राइम ब्रांच में पुलिस के पास? हम लोग चार दिन से लिख रहे हैं. सीरियसली आप लोग बहुत अच्छा काम. देखिए आपने जो ये कह के बुलाया कि हम यहाँ पे आपको एविडेंस देंगे, ये देंगे, तो वो क्या मतलब है? फिर यहाँ से हम लोग कहाँ कहाँ से भाग रहे हैं? हाँ नहीं नहीं देखिए आप लोगों से बिल्कुल क्या ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं जो एविडेंस लेके आ रहे वो एंड टाइम पे बैकअप करे? क्या हुआ नहीं आज तक? कभी होता नहीं है कहीं? आप जी को बात करने दो, जिम्मेदार मीडिया है, आप लोग जिम्मेदार मीडिया है. क्राइम ब्रांच में भी लोग आने वाले हैं, उनका डीआईजी के पास जाना है. प्लीज वन बाय वन, प्लीज वन बाय वन. अगर आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, अरे तो राखी जी को बात करने दो, बैकअप कर दो. पूरा वीडियो नहीं पास पूरा वीडियो मत दिखाइए. देखिए आप लोगों से फिर से मेरी गुजारिश है कि आप लोग बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हैं, मीडिया हैं. डेफिनेटली अगर इनके ऊपर कोई प्रेशर है कि जो चीज वो चीज का वो अभी आप लोगों के सामने नहीं ला सकते, तो उसके लिए फोर्स मत कीजिए. डेफिनेटली उसकी अगर कोई इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट तक पहुंचना है, पुलिस तक पहुंचना है, तो वो कार्रवाई होने दीजिए. आप लोग एक रिस्पॉन्सिबल आपके पास वीडियो आप नहीं दिखा सकते, लेकिन बता अगर राखी जी को बोलने दो यार. सलोनी एंड राहुल का नहीं देखिए वो अभी एक क्लियर और दूसरी चीज ये है नहीं राखी मत पूछो. दूसरी चीज ये है कि फ्रेंडशिप वाट लो, कुछ ऐसी चीज जरूर है जिससे कि प्रत्युषा शॉक हुई. उस वीडियो में डेफिनेटली कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि प्रत्युषा देखने के बाद शॉक हुई है. एक शॉकिंग चीज ये थी जो राहुल ने मिटा दिया है मोबाइल लेके जाके. दूसरी शॉकिंग चीज ये थी कि उसको कुछ ही दिन पहले पता चला कि वो शादीशुदा है, जिस चक्कर में उससे मारापीटी भी हुआ है, जो राहुल ने खुद कबूल किया है कि जिस दिन सुबह उसे या उसके पहले एक दिन रात को भी उनके झगड़े हुए और उसने उस पर फिर से हाथ उठाया. तो दैट वॉज अ कम्प्लीटली क्लियर एंड दैट ही हिमसेल्फ से टू द मीडिया और ऑल्सो टू द पुलिस. तो राहुल ने तो सुना है नहीं. देखिए उनके कई हम लोग कॉमन फ्रेंड्स हैं, बहुत वो पार्टियां करते थे, प्रत्युषा भी उस पार्टी में आती थी. अब ड्रग्स की देखिए ड्रग्स की हम लोग क्लैरिफाई इसलिए नहीं कर सकते कि हमारे सामने ऐसे भी कंज्यूम किए हैं, बट हाँ हमने भी सुना है कि ही वॉज टेकिंग सम ड्रग्स, सम इवन अल्कोहल, तो कंफर्म है कि अल्कोहल लेते थे. इवन वो प्रत्युषा को फोर्स करता था कि वो भी पिए ज्यादा. And that's the way, like she was such a cutest and beautiful, but वो धीरे धीरे इतनी वो होती जा रही थी डिप्रेस में, मतलब पूरी तरह बुझी हुई. जो मेरा एक रिक्वेस्ट है बस यही है कि जो वीडियो था तो वो राहुल ने मोबाइल से क्यों डिलीट किया?
बहुत पुख्ता सबूत था पुलिस के लिए, सारे वॉइस कॉलिंग मैसेजेस और एक वीडियो था मोबाइल में, वो क्यों डिलीट किया राहुल ने, मोबाइल चोरी करके क्यों लेकर गया। राखी हम आपसे आप ये जानना चाहेंगे राखी, क्या आपने पुलिस को जाके अपना ये बयान दर्ज कराने की कोशिश की, आपने उनसे? नहीं, मैं नहीं गई हूँ, हम आपके द्वारा जाना चाहते। अगर मैं अभी वहाँ पे जाके डायरेक्ट चले जाती तो कुछ नहीं होता, तो राहुल को नहीं पकड़ा है तो फिर हमारी बात कहाँ से सुनते हैं? देखिए, आपके द्वारा जाना चाहते हैं हम। माँ बाप बहुत ही नहीं, उनके प्रतीक्षा के जो माँ बाप है बहुत ही मध्यम वर्ग और बहुत ही छोटे परिवार से हैं, इसलिए उन्होंने अभी तक उससे केस नहीं किया हुआ है। जो भी है, हम यही चाहते हैं कि आप लोग पहुंचे और पुलिस को फोर्स करें कि व्हाट इट कैन बी सॉल्व। थैंक यू। पुलिस अपना काम बराबर करे, डेफिनेटली पुलिस अपना काम करे, और सिर्फ पृथ्वी शाह का ही सवाल नहीं है, वहाँ पे उनकी पूरी फैमिली जुड़ी।